हरी ओम हरी भैया जी, ये क्या कांड हो गया है मेरे साथ? मेरी पैंट भी ऐसे निसट निसट रही है, क्या बोलूं मैं आपको अभी। गुड मॉर्निंग जी, एक मिनट पहुंच लेता मैं थोड़ा सा, अभी दिख रहा ना बराबर? अभी हूँ मैं करंटली शिवाजी नगर साहिल भाई के होम, तो यहाँ से मैं जा रहा अभी प्रणव भाई को हिंजेवाड़ी ड्रॉप करने। ये स्टैंड काटूंगे पहले, प्रणव भाई को हिंजेवाड़ी ड्रॉप करूंगा। मैं जा रहा चिंचोड़ में। आज का ब्लॉग मतलब अगर मुझे लगा कि कुछ अच्छा कंटेंट मिल रहा मुझे तो मैं कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो आज का ब्लॉग नहीं बनेगा। ये भी नहीं देखेंगे, मैं जो बात कर रहा है वो भी नहीं देखेंगे, अगर बनाई तो ही देखेंगे आप। बाकी प्रणव दादा पूरा एकदम बेकार, एकदम डायरेक्ट शूज वगैरह घालून एक नंबर। मी पण नवीन कपडे घातलेले, स्वेटर नंतर काढून दाखवतो तुम्हाला। चालेल मग प्रणव भाऊ, घ्या चालू करा, चला। प्रणव भाऊंचा प्रॉब्लेम आहे, प्रणव भाऊंना ड्रायव्हिंग येत नाही म्हणून मला चालायला असेल ते। चलो चलो काय पुणेकरांनो, गुड मॉर्निंग। आत्ता वाजले 9 आणि तुम्हाला सांगितलंच मी, आम्ही जातो हिंजेवाडीला। मे बी मला पुण्यामधून जास्त लोक बघत नसणार, मोस्ट ऑफ व्ह्यूवर माझे खानदेशचेच आहेत। आता कुठे बाबा, आम्ही जस्ट मागे युनिव्हर्सिटी क्रॉस केली, औंध रोडाला आहोत आम्ही आता। हरी ओम या रे भैया जी, मजे आ रे, सुबह सुबह का मौसम है। हिंजेवाड़ी अभी हमारे जो बड़े वाले भाई साहब वो बोल रहे थे कि इधर गर्दी नहीं रही रे। मतलब काय रे, काय सांगत होते? अरे आयटी पार्क बंद है ना, त्यामुळे गर्दी आता विषय आहे, कारण की इथं ट्रॅफिक असते म्हणे आणि फुल गर्दी असते। यांचा धंदा म्हणे एकदम ऑफ चालू आहे, सगळ्या गोष्टी ऑफ चालू आहे म्हणे। छोड़ते अपने प्रणव भाई को हिंजेवाड़ी में, मैं भी जाता अपने काम के लिए। जाते ओके जी, लग चुके बराबर रास्ते में। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, रॉन्ग साइड में घुस गए थे। क्या बोलते हो रे बाबा? बिना आप ये आगे ना बड़े बड़े बिल्डिंग का देखो। या प्रणव भाऊ, नहीं या ना ना भाऊ, यम टेक इनोवेशन लिमिटेड। या भाऊ या, बेस्ट ऑफ लक करा, कान करा मस्त पैकी। हाँ येऊ का मी? आम्ही जाईल भाई मा नको टेन्शन, तू बघ तुझं नियोजन काय आहे। मेकअप काढून घ्यावा लागेल का? नाही रे भाई, बरोबर आहे ना भाई साहब, इधर की सिक्युरिटी कशी आहे बाबा? इकडची सिक्युरिटी खतरनाक आहे। काका दिसत नाही का आजचे? हा कुठं जायचं आहे? कोणत्या डिपार्टमेंटला काम आहे? प्रणव भाऊ एकदा लुक दाखवा ना तुमचा, खतरनाक ना वो, डायरेक्ट पूरा ऑफिशियल लुक। कड़क भाई, मेरे को भी निकलना पड़ेगा अभी जल्द से जल्द, टाइम हो चुका है। जा रहे वो वाला साग बोल रहा हूँ, ललदर कहाँ होता कायली कल्टी बार यू का मी। चल बाय। चलो फर्स्ट डे, बहुंचा फर्स्ट डे रिकॉर्ड झालेला आहे। चालेल चल। साहब कैसी फील होती होगी ना यार ये फर्स्ट जॉब की? मुझे तो अब तक मिली नहीं है, इसका भाई का फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे का रिकॉर्ड किया है मैंने। उसको याद रहेगा कि मेरा फर्स्ट डे इस तरह का रहा था, मतलब ज्यादा टाइम का। मुझे भी ये फील लेना यार जॉब का एक बार, मतलब जिंदगी में आगे मुझे एक बार भी तो जॉब करना ही है। बाय द वे मेरे लेफ्ट साइड में विप्रो है, विप्रो में भी किसकी कंपनी मुझे पता नहीं, मैकेनिकल की क्या आईटी की है, आईटी की जो भी कंपनी है यहाँ पर मतलब बंद है, टोटल बंद है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है अभी यहाँ पर। मुझे ये एक्सपीरियंस लेना है, अगर मैं मतलब मैं आने वाला हूँ ना यहाँ पर फेब्रुआरी मार्च में, तो मैं कहीं ना कहीं तो जॉब करने ही वाला हूँ, मतलब मुझे करना ही है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करूँगा मैं जॉब का। तो मेरा जो भी जुगाड़ होगा, किस तरह का जुगाड़ होगा, कैसा जुगाड़ होगा, मेरा कैसा एक्सपीरियंस होगा, वो सबका आपको मिलेगा। ये कंपनी हमारी कटिया सॉफ्टवेयर बनाने वाली है, डिसॉल्ट कुछ तो नाम लिखा था, मतलब मैकेनिकल की कंपनी है, सॉफ्टवेयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है मैंने, आपको अगर पता नहीं होगा तो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यार वर्क फ्रॉम होम का जो ऑप्शन होता है ना बहुत कम होता है, तो जो भी होता है ऑप्शन उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर का नॉलेज लगता है,
तो वो नॉलेज मेरे पास ना होने के कारण आप समझ लो अभी, इसलिए मैंने मैकेनिकल में करियर नहीं कर रहा मेरा पूरा। ओके जा रहे भैया जी काकड़े कॉर्नर चिंचवड़ में, मिलते। गलत रास्ता पकड़ लिया है आपके भाई ने, 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा होकर जा रहा अभी मैं। यहाँ पर मैं वाकड़ में पहुंच चुका हूँ, वो रास्ता वाकड़ के साइड से ही निकल रहा था, मैं वाकड़ से वाकड़ के अंदर से जा रहा। वाकड़ वाकड़ कैसा नाम है ना भाई, सही है बॉस। यहाँ पर फ्लैट भी देखने का है मेरा, मतलब यार ड्रीम सेटअप बनाने का है मुझे फ्लैट पर, ऐसे एकदम सुपर वाला फ्लैट चाहिए मुझे। ये देखो ना यहाँ पर मुझे एक बार इंक्वायरी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एरिया भी सही लग रहा मुझे, एरिया सही है उस तरह के, उसके रेट भी तगड़े भाई साहब। यहाँ पर 15,000-20,000 2BHK की रेटिंग है, तो आप समझ सकते हैं हमारे वागोली में 12,000 तक मैक्स 10,000 तक आपको 2BHK मिलता था, यहाँ पर मतलब दुगना काम हो रहा। कोई बात नहीं, एक बार अच्छे से ढूंढूंगा, वाकड़ नहीं तो कोई दूसरी साइड ढूंढूंगा जहाँ पर मतलब रेट कम हो, और उसके लिए टाइम भी लगेगा, देखते हैं अभी क्या क्या होता है। भाई साहब धोखा हो चुका है मेरे साथ, गाड़ी ने एवरेज कम दिया, पेट्रोल पंप नियर मी। ओके नसीब माझा की उजव्या बाजूला पेट्रोल पंप दाखवत आहे, त्याच्या डाव्या बाजूला पण आहे। ओके या कॉर्नरला पेट्रोल पंप आहे, सिग्नलच्या चौकाच्या पुलाच्या खालीच्या या अलीकडे। ओके ग्रेट, हरी ओम हरी, झाली जायला पाहिजे नाही तर ढकलायचे काम आहे ते, यस ढकलायचंच काम आहे आता। ढकलो रे गेलं रे, अरे काय माणूस आहे रे, लवकर पेट्रोल टाकून काही करायला पाहिजे अवेलेबल, अंदाज नव्हता यार, मी ॲव्हरेज चेक करत होतो गाडीचा, विषय होऊन गेला। हरी ओम हरी भैयाजी, ये क्या कांड हो गया यार मेरे साथ, मेरी पैंट भी ऐसे निसट रही है, क्या बोलूं मैं आपको अभी। मैप में बता रहा था आगे कॉर्नर पे, एक मिनट ना पैंट वर्ती करूंगी अपन पहले, कॉल पण येऊन राहिला एक, कोण म्हणतो कॉल असतो भाऊ, बोला ना भाऊ, डकलत डकलत घेऊन चाललो जवळ आहे पेट्रोल पंप, मॅपवर दाखवतोय आता तू छत्रपती शिवाजी महाराज उड्डाण पुलच्या थेरगावच्या खाली, हा जवळ कांड हो गया मेरे साथ, कांड हो गया मेरे साथ। इथं HP ना कुठं तरी, HP इकडे आहे ना कुठं तरी, म्हणजे आणि या बाजूला इकडे गेलं तरी लांब आहे, जवळ आहे का, जवळ नाही आतमध्ये इथं, हा आहे का, चलेगा दास धन्यवाद। अरे बाप, अरे गई लागले रे माझे भाऊ साहेब, काय सांगू, डकलं जावा ना पडी, पण जाऊ द्या मना, वायम बी होई राय ना, काय सांगू आते असंच बोलणं पडी ना भाऊ। आपण एक ब्रेक घेऊया मित्रांनो पॅन्ट वरती करण्यासाठी, ओके पॅन्ट वरती झालेली आहे, नव्या कपड्यांना मी नी त्रास देतोय जास्त, घाण करून राहिलो ठक। एकदा एक ब्रेक घेतोय मी पॅन्ट वरती करण्यासाठी, ओके पॅन्ट वरती झालेली आहे काय शॉर्ट आहे यार, लगाव ताकद लगाव और आगे बढते चलो मजे आ रहे भाई, मजे लेने चाहिए भैया जी, क्या बोलते, हर सिचुएशन के मजे होते,
ऐसा नहीं है, मुझे एकदम ऐसे लेट हो रहा किधर जाने को। कोई बात नहीं, चलता है, यही तो रीत है भाई साहब। कभी मजे है, कभी दुख है, सब है जिंदगी में। हो जी को रंग दे, रंग दे। जी एक और ब्रेक लिया गया था पैंट ऊपर करने के लिए। एक्चुअली मैं रोड के इस साइड आ गया क्योंकि यहाँ से पेट्रोल पंप नजदीक है। बहुत दम चुका हूँ यार, क्या ही बोलूँ मैं, बहुत लंबा डिस्टेंस चल रहा मैं। अपने ही रंग दे, मुझको रंग दे, कोई कोई रंग दे, मुझको रंग दे, रंग देना भाई। मंजिल आ चुकी है, यहाँ से नो एंट्री है, वहां से एंट्री है, और कुछ कदम। कोई बात नहीं, चलेगा। आपको पता है एक चीज मैंने सीखी है, ऐसे गाड़ी लौटते लौटते मैं इसे ऊपर पैंट कर सकता मेरी। भैया डाली। कुछ भी जोक मार रहा है यार, पर ऐसे सिचुएशन में मजे ही लेने चाहिए। चलो पेट्रोल डालेंगे अच्छे से। 27 हाँ, इधर ही बंदे की कीमत जास्त है। बत्तिया बाजूला कमी है का? एकच है का? हाँ हाँ, म्हणजे तुमचा काय टॅक्स वगैरे का? काय काय ओके, जिंदगी मध्ये येऊन सर्व करा, पण पेट्रोल काठावरती नका ठेवू रे भाई। लय आलून दादा, बघू प्रणव दादा काय म्हणताय। भाऊ आता भरलं, जस्ट भरलं पेट्रोल। आता काय टाकू कंपनीला, एम इनोव्हेशनच टाकू ना डायरेक्ट? हा तू सर्कललाच येईल ना बरोबर। फायनली पहुंच चुके हे भाई साहब। प्रणव भाऊ देखो ना कैसे अकेले बैठे यहाँ पर। ओ दादा दा भाऊ आले, आले भाऊ, धीरज दादा आले ना भाऊ, लागले ना भाऊ माझे। काय सांगू भाऊ, हा ओढला शर्ट, घ्या बॅग घ्या आणि बसा, भूक लागून गेली मला। हा बापरे बाप, तुम्ही इथंच बसले होते का? इथं जागा नाही का गार्डन वगैरे काहीतरी? वसा ना। बापरे, हा नाश्ता पाणी करू चल काहीतरी, चक्कर येऊन राहिले। याची स्ट्रक्चर देख रहे क्या कंपनी का, किस तरह का है यहाँ का? हाँ जी भाई साहब, देख सकते रूम की कंडीशन, ऐसे कंडीशन में प्रणव बाबा अपने रहेंगे। देखते हैं प्रणव भाई क्या बोलते हैं अभी। मग प्रणव भाऊ काय म्हणता, कसं वाटतंय? रूम से दादा कुठे गेल्या काय म्हणून? भारी इथं राहायचं आणि हे कधीपर्यंत करतील साफसफाई? अरे त्याला अर्जंट पाहिजे आजपासून। काय सांगते भाऊ, इधर तो कंस्ट्रक्शन चालू रहा, अभी अपन जाएंगे किधर ढूंढेंगे प्रणव भाई, टेंशन में आ गए। खूपच लांब आहे आणि रस्ता वगैरे एकदम विचित्र होता, गोपुरो डाऊन हो झालेला आहे आपला, त्यामुळे विषय झालेला आहे, नाही तर दाखवलं असतं तुम्हाला। हाजी भाई साहब, ऐसाही आज का दिन था, मतलब अभी चालू आहे आज का दिन, मिल नहीं रहे यार फ्लैट वगैरह, मिल रहे रहे प्रणव भाई इधर बैठे डिप्रेशन के शिकार नहीं है वर्गा? अभी वीडियो देख रहे थे डिप्रेशन के शिकार होने के लक्षण, सबके सब सबके सब का मैच कर रहे थे। वैसी कोई बात नहीं है भैया जी, थोड़ी सी एनर्जी ड्रैग हो चुकी है, मतलब पूरी डाउन हो चुकी है, इसके कारण हम अभी मतलब फ्लैट देखने के लिए अच्छे से जा नहीं पा रहे। मेरा तो मन हो रहा मतलब ओयो वगैरह कर लूँ, मतलब देखते हैं अभी क्या हो रहा है। कल के ब्लॉग में फुल फ्लैट का सर्चिंग होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। कमेंट करो अगर दोबारा पहचान में का कोई हिंजवाड़ी में कुछ फ्लैट वगैरह होगा, 1 या 2 मंथ के लिए रेंट पर, पीजी भी चलेगा, मतलब देखो अगर मिलता है तो। हाँ रूम होना चाहिए बस। अरे बाप क्या क्या, अरे रूम होना चाहिए सिर्फ, कुछ भी चलेगा। रूम होना चाहिए, ऐसे पतरा पुतरा वाला सीन नहीं होना चाहिए। प्रणव भाई को रहना है, मुझे नहीं रहना है। चलेगा, मिलते भाई, सॉरी लंबा ब्लॉग बना होगा, बट थोड़ा सा बुरा भी, मतलब मुझे नहीं पता कैसा बना होगा, पर धन्यवाद बघितल्याबद्दल। ये तो मी बाय।